हमारा मनार जो है वो तैयार हो चुका है, इस पर अब कलर पेंटिंग हो रही है। तो कलर पेंटिंग के लिए अजहर साहब जो है मनार को कलर कर रहे हैं और हमारे ये एक भाई बैठे हुए हैं साथ में। आप नाम बता दो यार, मैं भूल गया। हमजा भाई, तो हमजा भाई पे कलर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको दोबारा पोर्शन दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको रात बताया था कि ये देखें, ये नीचे वाला पोर्शन था मनार का। ठीक है, अभी इसमें पेंटिंग और वगैरह होगी। ठीक है, तो इसके जो अभी कलर जो है ना आर्जी तौर पे किए जा रहे हैं, जो इसके कलर की जो नुकरें वगैरह सेटिंग वगैरह वो बाद में साथ साथ होती रहेगी। ठीक है, तो इसके अंदर कैसे कपड़ा लगाया ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये कपड़ा इसके अंदर लग चुका है। उधर से रास्ता थोड़ा सा छोड़ा है, उसमें बाद में वहाँ पे कपड़ा जो एडजस्ट कर दिया जाएगा ये फिटिंग करने के बाद। ठीक है, ये नटों के साथ। और ये दूसरा पोर्शन है। ठीक है, ये इसके ऊपर आएगा, इसकी मैं आपको पेंटिंग वगैरह दिखा देता हूँ। तो ये जो है तीसरा पोर्शन है बनार का। इसमें कपड़ा कैसे लगाया गया वो देख रहे हैं। क्या बात है, बहुत सोना लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारे भाई हैं, ये अभी कलर करते गए हैं। तो अभी थोड़ा सा सामान के चक्रों में जो है ना इसका वगैरह सामान वगैरह कंप्लीट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला शाम तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला आज इसको फिट करना है हमने। तो ये इस पर अब कलर हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर और कलर होंगे। ठीक है, ये खुशक हो जाए ना, उसके बाद इसको ज़रा और खूबसूरत बनाया जाएगा। इसके कलर का इसके नीचे से भी मैं दिखा देता हूँ अंदर से, ताकि जो भाई बना रहे हैं उनको आसानी हो। तो ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ पे वो नट जो पोर्शन वगैरह आपको दिखाए थे, इसकी 15 फुट हाइट है। ठीक है, अभी ये कम्प्लीट नहीं हुआ, इसको कलर वगैरह करने, ये इसको कपड़ा वगैरह लगा दिया गया। किस तरीके से लगाया गया आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर वाला पोर्शन है, सबसे ऊपर वाला। तो इसके ऊपर मीनार वगैरह लगेगा, और ये मीनार है इनका, ये आप मीनार देख सकते हैं। ठीक है, इसके भी थोड़े से कलर अभी ख़राब हो चुके हैं, कलर इसके और करने हैं अभी। तो ये इसके ऊपर रख दिया भाई, क्या करो। ये देखें, ये अभी इसके ऊपर थोड़ा सा इधर से दिखाता हूँ, क्योंकि उधर कलर अभी होने वाले हैं। ये देखें, ये इसके ऊपर अभी वैसे ही रखा है, सेटिंग के साथ नहीं रखा। इसी तरीके से ये जो पोर्शन है ये इसके ऊपर चला जाएगा और भी, तो उसके ऊपर ये पोर्शन जाएगा और उसके ऊपर वो छोटा पोर्शन जाएगा और उसके ऊपर मीनार लगेगा। इसकी तकरीबन 15 से 16 फुट जो हाइट जो है ना वो बन जाएगी। ठीक है, और ये बाज़ार में जो है ना फट्टे लगा कर, यानी कि 10 के फुट के तकरीबन फासले पे जो है ना, जिससे नीचे से इंसानी से जो इंसान गुजर सके, फट्टे लगा कर उसके ऊपर रखा जाएगा। तो ये तकरीबन कोई 25 फुट जो इसकी हाइट बन जाएगी, इतना ऊंचा चला जाएगा। ये कलर को भी स्पीड के साथ कर रहा है, उसके बाद ये छोटी जो है ना पेंसिल के साथ, या ये छोटे जो पॉइंटर है उसके साथ, इस ब्रश के साथ छोटे से, उसके बाद जो इसकी नुकरें वगैरह कुछ सेट किया जाएगा। इस तरीके से इनकी नुकरें वगैरह जो है ना बाद में सेट हो जाएगी। अभी इसकी करनी है, ये आधी कलर भरे हैं, ताकि जल्दी से काम जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाद में छोटी बुरछी के साथ उसमें ना सफाई वगैरह लगाई जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद हम आपको रोज़े की भी दिखाएंगे, रोज़ा भी इसके बाद कंप्लीट करना है, और ये खानकाबा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको भी कंप्लीट करना है इसके बाद ये, तो उसके बारे में बताएंगे कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। इसका तरीक़ेकार मैंने बता दिया, इसमें ये अलारंग जो लगी हुई हैं। ठीक है, ये इस तरीके से इसकी फिटिंग की हुई है, ये देख सकते हैं आप अंदर से। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से आप किसी से बनवा सकते हैं अगर आप शौक रखते हैं। तो इंशाल्लाह ताला किसी किस्म का मसला हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको उसकी ज़रूर सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये कलर हैं, इन कलरों के साथ लगाया जा रहा है।